गुरु पी अवतार छठवां अवतार जिसको हम कहें परशुराम अवतार। परशुराम के जो लक्षण हैं, जो सद्गुण हैं, आप वो ध्यान से देखो तो आपके गुरु में वह भी दर्शन होंगे। आपके गुरु के भीतर तो परशुराम जी का, परशुराम जी की पहचान क्या है? हाथ में फरसा रखते हैं परशुराम जी। हाँ, सबसे बड़ी पहचान हाथ में फरसा रखते हैं परशु, इसलिए तो नाम है उनका परशुराम। नाम उनका राम ही था, लेकिन जब से वो परशु यानी फरसा रखने लगे ना, तब से नाम ही पड़ गया फरसा वाले बाबा परशुराम। अब कई लोग ये सोचते हैं कि परशु मतलब फरसा, लेकिन रामचरितमानस जो लगातार पढ़ते होंगे उनको शायद स्मरण होगा, लंका कांड में बाबा तुलसी ने परशु की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। ये परशु मतलब क्या, ये फरसा मतलब क्या, बाबा तुलसी मानस में वर्णन करते हैं। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंड, जिसके हाथ में परशु रहे। लेकिन परशु मतलब क्या, दान परशु, परशु का मतलब होता है दान। परशुराम जी के हाथ में सदैव दान रहता है, इसका भी प्रमाण आप देखो बालकांड के विवाह वाले प्रसंग में जब परशुराम जी ने अपना परिचय दिया तो वहां परिचय में एक और रहस्य का उद्घाटन कर दिया। लक्ष्मण जी को कहा कि लखन तुझे पता है 21 बार मैंने धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया, छीन लिया, लेकिन छीन लेने के बाद फिर मैंने दे भी दिया। परशुराम जी ने खुद कहा, बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, भुज बल भूप को क्षत्रियों से छीन लिया, क्योंकि तो राजा क्षत्रिय ही होते थे। कई बार 21 बार मैंने धरती को क्षत्रियों से छीना, लेकिन छीन कर रखा नहीं, ब्राह्मणों को दान दे दिया। इतने बड़े दानी हैं परशुराम।
ये लक्षण जो है, आप ध्यान दो, आपके गुरु में भी यह दर्शन दिखाई देगा। गुरु भी हमसे लेते जरूर हैं, लेकिन लेकर के बाद में उसको दान कर देते हैं, दूसरों को देते रहते हैं। जो सदैव देता रहे उसका नाम है गुरु। ध्यान से देखा जाए तो हम अपने गुरु को क्या देते हैं? गुरु ने जितना हमको दिया होता है, हम उतना गुरु को क्या दे सकते हैं? साहब, गुरु सदैव देता है, दान परशु, भगवान परशुराम की तरह। और मैंने कल भी कहा, गुरु कई रूप में हमको देता है, वाणी के द्वारा देता है, आंखों के द्वारा देता है, अपनी जिह्वा के द्वारा देता है, अपने पैरों से देता है, हाथों से देता है। गुरु हर प्रकार से हमको दे ही तो रहा है, लेकिन हां, ये तो महसूस करने की बात है। जिसकी जैसी भावना, बाबा तुलसी कहते हैं ना मानस में, जाकी रही भावना जैसी, दान। परसु मतलब होता है दान, जो सदैव दान करता रहता है। भोलेनाथ ने दुनिया को जितना दिया है, क्या हमने भोलेनाथ को उतना दिया? हम क्या देते हैं भोलेनाथ को? एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, कभी प्रसन्न हो गए तो थोड़ी मिठाई का भोग लगा दिया। हाँ, वरना तो कई लोगों को मैंने देखा है कि बस सुबह शाम वाली दो अगरबत्ती दिखाकर हो गई पूजा, बस। और आजकल लोगों ने एक और शॉर्टकट निकाल लिया, भोग लगाने के लिए थोड़ी मिश्री रखते, हर वो भी ज्यादा नहीं, छोटी वाली कटोरी रखा, चिड़िया वाली कटोरी जो होती है, छोटी वाली मिश्री भोग लगा दिया, बस भोलेनाथ खुश। क्या देते हैं हम भोलेनाथ को? लेकिन भोलेनाथ का जो दिया हुआ हमारे जीवन में है, गिनने बैठ जाए मेरे भाई बहन,
तो कभी भी हम उसको गिनती न कर पाएंगे, इतना दिया है भोलेनाथ ने हमको, कितनी कृपा की है उसने, पग पग पर उसने गोविंद ने कृपा की। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।